कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान हम पढ़ रहे हैं शक्ति सत्ता एवं वैधता। शक्ति का अब तक हमने अध्ययन किया था, शक्ति का आज हम अध्ययन करेंगे सत्ता का। सत्ता का क्या है, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है अथॉरिटी, उससे सत्ता को संबोधित करने का कार्य किया जाता है। पुरानी जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, जब राजाओं का शासन होता था तो वो सत्ता को शक्ति के द्वारा संचालित करने का कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, उस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार से, शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता के लिए कार्य करे, और यदि जनता के लिए सत्ता ठीक प्रकार से कार्य करती है तो जनता और जो राज्य में रहने वाले जो लोग हैं वो भी स्वेच्छा से सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सत्ता को समझने का कार्य करेंगे। अब आगे है सत्ता पालन के आधार, कि सत्ता का पालन किन बिंदुओं के आधार पर, किन बातों के आधार पर लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा किया जाता है। पहला है विश्वास। जिस राज्य में, जिस देश में लोग रहते हैं, वहां पर जो भी शासन व्यवस्था होती है, जो भी सरकार होती है, जो भी कार्य करती है, उसका सभी लोग पालन करते हैं, और वो इसलिए पालन करते हैं कि उनको विश्वास होता है कहीं ना कहीं कि सत्ता के द्वारा, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो लोगों की भलाई के लिए लिए जाएंगे। तो सत्ता के पालन का पहला आधार जो है वो है विश्वास। दूसरा है एकरूपता। सत्ता के पालन का जो दूसरा आधार है वो है एकरूपता। एकरूपता का अर्थ है कि सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा जो कार्य एक व्यक्ति के लिए, जो नियम एक व्यक्ति के लिए लागू किया जाए, वही नियम दूसरे लोगों के लिए, दूसरे एक समान लोगों के लिए लागू किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के लिए तो नियम कुछ और दूसरे व्यक्ति के लिए नियम कुछ होना चाहिए। दोनों जो जितने भी लोग हैं राज्य के, उन सभी लोगों के लिए एक समान नियम लागू होने चाहिए। ये एकरूपता का जो बिंदु है वो सत्ता के पालन का आधार होता है। तीसरा है लोग, कि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, सरकार में जो लोग शामिल हैं, वो जो भी कार्य करें लोक कल्याण की भावना से, लोक हित की भावना से करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके द्वारा किया गया कार्य किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक क्षेत्र, एक समुदाय के लिए हो। उनके द्वारा किया गया कार्य राज्य के अधिकांश लोगों के लिए होना चाहिए, राज्य के अधिकांश लोगों को फायदा पहुँचाने वाला होना चाहिए। ऐसे लोक हित की भावना सत्ता के कार्यों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगला है दबाव। दबाव का अर्थ है कि सत्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यदि लोग सही कार्य है, लोग कुछ लोगों का विरोध करते हैं तो सत्ता जो है शक्ति का उपयोग कर सकती है, लेकिन यदि सत्ता के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है, सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है, तो राज्य के लोग भी संगठन बनाकर सत्ता के ऊपर दबाव बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो ये चार जो बिंदु हैं वो है सत्ता पालन के आधार। आगे मतलब है सत्ता के रूप। सत्ता का जो पहला रूप है वो है परंपरागत। परंपरागत सत्ता के अंतर्गत एक राजा की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र राजा बनता है। यह व्यवस्था चली आ रही है और इस व्यवस्था को सभी लोग एक समान रूप से पालन करने का कार्य करते हैं। यह कहलाती है परंपरागत सत्ता। करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो अपने राज्य के लोगों के लिए कार्य करता है, राज्य के लोगों के हितों के लिए कार्य करता है, तो लोगों को उसके अंदर विश्वास हो जाता है कि हाँ, यह व्यक्ति आगे जाकर हमारे लिए कार्य करेगा। जैसे नेहरू प्रधानमंत्री बने तो लोगों का उनमें विश्वास हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी उनमें लोगों का विश्वास हुआ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने उनमें लोगों का विश्वास हुआ, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनमें लोगों का विश्वास है। लोगों को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी भारत के लोगों के लिए कार्य करेंगे, तो वो उनका जो गुण है, उनकी जो अच्छाई है, वो करिश्माई है। तो इस प्रकार की जो सत्ता कहलाती है वो कहलाती है करिश्माई सत्ता। आगे आता है कानूनी तर्कसंगत सत्ता। कानूनी तर्कसंगत सत्ता का अर्थ है कि संविधान के द्वारा शासन किया जाए, शासन में जो बैठे हुए जो लोग हैं वो कानून जो कहता है, नियम जो कहता है, उसके अनुसार वो कार्य करें। कि संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की ये शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री की ये शक्तियां हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री की ये शक्तियां हैं, एक राज्य के अंदर, एक देश में जिले का जो कलेक्टर होगा उसकी ये शक्तियां हैं, सरपंच की ये शक्तियां हैं, वो उन शक्तियों का पालन करते हुए लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो लोग, राज्य की जो जनता है, उनके आदेशों का पालन करेगी। इस प्रकार से सत्ता के तीन रूप यहाँ पर बताने
सभी बहनें इस पे एक प्रश्न करेंगी, सत्ता के रूप कौन कौन से हैं समझाइए। सभी बहनों को अपनी गृह कार्य की कॉपी में यह प्रश्न करना है, सत्ता के रूप कौन कौन से हैं समझाइए।